आज मैं आपके सामने लिख रही हूँ दोस्तों पालक ढोकला रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है, और बच्चे जो नहीं खाते हैं पालक वो भी खाना पसंद करेंगे। पालक में बहुत ही विटामिन, आयरन, पोटेशियम होता है फ्रेंड। तो इस तरीके से आप पालक यूज कर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बना सकते हो ब्रेकफास्ट। तो ये रेसिपी एक बार ज़रूर आप ट्राई करना, बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, सभी लोगों में शेयर भी करना, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों ये कैसी रेसिपी बनती है। तो ये देख सकते हैं मैंने एक बाउल लिया है, मैंने उसमें 2 कटोरी सूजी लिया है जिसे रावा बोलते हैं, उसी कटोरे से मैं 2 कटोरी दही लूँगी। ये दही खट्टी वाली नहीं है फ्रेंड, ताज़ी दही है। ज़्यादा दिन का खट्टा दही मत दीजिएगा वरना ये ख़राब लगेगा खाने में। तो इस तरीके से दही भी डाल देंगे इसमें, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये रेसिपी बहुत टेस्टी और हेल्दी है, बहुत झटपट बनकर तैयार होने वाली रेसिपी फ्रेंड। तो ये रेसिपी ज़रूर आप बनाकर एक बार ट्राई करें। तो इस तरीके से हमें पूरे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है, इसमें ज़रा से भी लम्स ना रहे, इस तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से मिल जाए। इस तरीके से फेंटना है इसे, देखिए इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डालूंगी, ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है। इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये देखिए 10 मिनट हो चुका है, फूल गया है। इसमें थोड़ा सा और पानी डालूंगी मैं, थोड़ा सा पानी और डालकर अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ठीक हो गया है। तो इस तरीके से इसको बेटर को थोड़ा ना ज़्यादा मीडियम साइज में इसे रखना है। ये देखिए मैंने पालक का रस निकाल कर रखा है, तो इसको मिला लूँगी मैं इसमें। मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन वाला फूड कलर भी डाला है फ्रेंड, ताकि मेरे ढोकला के कलर जो है बहुत अच्छा है और अच्छा लगे देखने में। तो ये देखिए पालक का मैंने अच्छे तरीके से मिला लिया है, एक प्याज मैंने बारीक काटा है और एक हरी मिर्च, इसको भी अच्छे तरीके से फिर डाल लेना है। इसे भी मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, इसे फेंट लेना है। और थोड़ा सा मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी ताकि ये अच्छे तरीके से, तो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे फ्रेंड। ये बहुत ही टेस्टी, ये देखिए मिक्स हो चुका है फ्रेंड। तो एक थाली ले लेंगे, आपके पास जो बर्तन हो उसमें आप सेट कर लेना। इसमें थोड़ा सा मैं तेल लगा लूँगी, ऐसे पूरी थाली में फैला लेना है ताकि मैं जो रेसिपी बनाऊँ वो इसमें चिपके ना, आसानी से निकल जाए। तो इस तरीके से देखिए हमें जो मैंने बेटर बनाया ढोकले का, इसमें इसमें निकाल लूँगी, इसे अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। और मैंने कढ़ाई में पहले ही पानी बैठा दिया है गर्म होने के लिए, तो उसके ऊपर मैं रख दूँगी। कम से कम 20 मिनट तक इसे भाप में पका लेना है फ्रेंड। और ये देखिए प्याज है, हरी मिर्च है, करी पत्ता है और राई है, इस सभी का मैं तड़का लगाऊंगी दोस्तों। तो इस तरीके से आप अगर ढोकला बनाते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। ये ढोकला मेरा बनकर देखिए तैयार हो चुका है। तो देखिए आपको दिखा रहे हैं कितना स्पंजी बना है, आपको देखिए ज़रा सा भी चिपक नहीं रहा, तो बहुत ही अच्छा बना है। तो अभी इसे हम उतार लेंगे गैस पर से, एक फ्राई पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं तेल डालूँगी। तेल डाल देना है, अब तेल गरम हो जाएगा तो मुझे इसमें राई डालना है। आप चाहें तो इसमें उड़द का दाल, चने का दाल भी डाल सकते हो दोस्तों। एक करी पत्ता है, इसको भी मैं डालकर फ्राई कर लूँगी। और ये देखिए कितना अच्छा ये फ्राई हो रहा है। अब हरी मिर्च और प्याज दोनों को डालकर फ्राई कर लूँगी फ्रेंड। और इसे फ्राई कर ढोकले के ऊपर
सर्व कर लेना है, ताकि मेरा ढोकला बहुत अच्छा लगे, टेस्टी लगी और सुंदर भी लगे देखने में। फ्रेंड इस तरीके से फ्राई कर हम ढोकले पर इसे सजा लेंगे। है ना ये अच्छी रेसिपी, तो वीडियो को सभी लोगों में शेयर किया करें और चैनल। तो इस तरीके से इसे फ्राई कर लेना है अच्छे तरीके से। इस तरह देखिए मेरा ढोकला तैयार हो गया। तो इसे काट लेंगे पीस में, आपको जैसा पसंद हो उस तरीके का ढोकला आप काट लो, चरकोर या बर्फी सेप जो भी आपको अच्छा लगे वो काट लीजिए। मैं तो ये चरकोर साइज ही काटूंगी। इस तरीके से देखिए इसे काट लेना है, बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता है फ्रेंड। अब आसानी से आप घर पे बना के खा सकते हो, बाज़ार में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतनी महंगी रेसिपी आप बाज़ार में खाओगे, वो रेसिपी आप घर पे ही ट्राई कीजिए। इस तरीके से देखिए मैंने पूरे तरीके से काट लिया है। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है फ्रेंड, तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। ये देखिए कितना स्पंजी बना है मेरा ढोकला, देख सकते हो जाली जाली बना है। तो आई होप कि रेसिपी आपको ज़रा सभी पसंद आई होगी प्लीज़। तो ये देखिए मेरा प्याज व्याज फ्राई हो गया, तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, इससे इसका एकदम चटकदार बनेगा, चटाकेदार मार्केट जैसा बनेगा स्पाइसी। तो इस तरीके से स्पाइसी टेस्टी आप अपने घर पर हेल्दी चीज़ बनाकर खाइए और फैमिली को भी खिलाइए, सभी में इंजॉय कीजिए। तो ये देखिए मैंने जो फ्राई किया है, मैं दिखाना, मैं इसे ढोकले पर डालना भूल गई थी फ्रेंड।